गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के सब्जेक्ट फिजिक्स की, और सब्जेक्ट फिजिक्स में हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चों, देर आर टू चैप्टर्स इन यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द चैप्टर फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, एंड द चैप्टर सेकेंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। देयर आर टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। जैसे कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बताएंगे इसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज याद होगा सबको, वी यूज टू डिनोट इट बाय क्यू। ओके, एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम कंबाइंड रूप से पढ़े तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, मतलब वो सभी फिनोमिनन, वो सभी घटनाएं जहां पर चार्ज क्या हो हमारा रेस्ट पर। चार्ज मीन्स चार्ज क्या नहीं होना चाहिए, मूविंग नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया जहां पर चार्ज हमारा किस होता है, रेस्ट में होता है। देखिए क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो, फिजिक्स की वो ब्रांच जो हमारा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम उन सभी फिनोमिनन की बात करते हैं जहां पर चार्ज हमारा रेस्ट में होता है। देखो, देर आर सेवरल फिनोमिनन्स लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी आप पढ़ेंगे आगे चल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, बचपन में इसको हम डिनोट करते थे वी से, पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गॉस थ्योरम पढ़ेंगे अभी हम, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, एक्सेट्रा। देर आर सो मैनी फिनोमिनन्स। ओके, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ। लिखेंगे आप, तो देखो बच्चों, डेफिनेशन मैंने लिख ली है, आप लोग भी नोट कर लेंगे इसे, समझा देती हूँ आपको। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो भाई शॉर्टकट लिखा है, ई लिखा है, शॉर्टकट का जमाना है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराइजिंग ड्यू टू द चार्ज एट रेस्ट। देखिए, समझिएगा मीनिंग को। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराइजिंग ड्यू टू द चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज, जो रेस्ट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उन फिनोमिना के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी की जाती है। तो ये क्या हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन होगी, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, नोट कर लीजिए आप। नाउ, इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। नोट कर लिया होगा, मैं सॉल्व कर देती हूँ। एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला यूज जो है, तो जो बात करते हैं एप्लीकेशंस की, किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो एप्लीकेशंस हैं जो यूज होते हैं। देखिए, पहला जो एप्लीकेशन है इसका, वो होता है माइक्रोफोन्स में। माइक्रोफोन सबके पास होते हैं माइक्रोफोन्स, ठीक है, कुछ इस टाइप का माइक्रोफोन्स, CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसको भी आप बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा वेंडेग्राफ जनरेटर, सॉरी यहाँ पे जनरेटर लिखना भूल गई मैं, आप लिख लेंगे। वेंडेग्राफ जनरेटर, इसको भी अभी हम अगले टॉपिक में, ये हमारा टॉपिक यहाँ सिलेबस में है, वेंडेग्राफ जनरेटर हाई वोल्टेज सोर्स होता है, इसके बारे में हम आगे फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आप देखो, फोटोकॉपियर, फोटोकॉपी कराते हैं सभी लोग कराते हैं, ठीक है, फोटोस्टेट करवाते हैं, वहां पर भी किसका यूज होता है, ये वाला फिनोमिना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमिना यूज होता है हमारा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। बच्चों, आपने नोट कर लिया। नाउ,
अब हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं कि चार्ज एड्रेस्ड, चार्ज एड्रेस, तो चार्ज है क्या, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी समझ में, इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आता है? देखिए इलेक्ट्रिक करंट, देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। तो भाई हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, मीन्स आप ऐसा भी कह सकते हो, देखो जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, तब हमारी कोई करंट नहीं होती है, बट जब चार्ज हमारा मूव करने लगता है, मोबिल स्टेट में आ जाता है, तब हमारी करंट प्रोड्यूस होती है। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज देखो सबको पता है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सबका कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, हमने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि जो मास होता है वो क्या होता है हमारा, हर एक ऑब्जेक्ट का एक, एक हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मास होता है, मतलब हम ऐसा पढ़ा था m मास इक्वल टू m से डिनोट करते थे हम इसको, और ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी कही जाती थी, ठीक है। तो देखो ऐसे ही क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज q है वो भी क्या होता है, प्रत्येक बॉडी का क्या होता है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट का, प्रत्येक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक फंडामेंटल क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिस तरह से हमारा मास होता है। और देखो ये भी, अब ये चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया हुआ, जिसकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया हुआ, इसकी मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देती हूँ। देखिए करीब 1600 BC 1600 ईस्वी के टाइम पे एक हमारे यूनान के थेल्स थे, ठीक है, उन्होंने इसकी वो बताई थी 16 BC में, मतलब इसको ड्राइव भी किया था, इसका नाम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से डेवलप हुआ, तो देखिए कहाँ से आया था, ये जो यूनान के थेल्स थे उन्होंने एक, देखिए एक ग्रीक वर्ड है हमारा, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रीक वर्ड से इसका डिराइव हुआ था ये वर्ड, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है हमारा एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हुआ था, जिसका मीनिंग अगर हम मीनिंग की बात करें तो उस मीनिंग, उसका मीन है एम्बर। अभी मैं आपको बताता है भाई कि एम्बर क्या चीज है, एम्बर से देखिए एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रम, जिसका मतलब होता है एम्बर। अब इसको, अब तो ये भाई ये कहाँ से है, ये वर्ड हमारा कहाँ से आया, देखिए एम्बर क्या होता है, एक रेजिनस सब्सटेंस है, एक रेजिनस सब्सटेंस मीन्स किस, कोई भी एक पेड़ होगा, ट्री होगा, उसमें से जो आपने देखो गोंद, जिसको हम चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं, उस गोंद, वो गोंद जब हमारे क्या आता है, थोड़ा सा सॉलिड आता है, जम जाता है, तो कुछ येल्लो टाइप का, येल्लो कलर का, हल्का डार्क हल्का येल्लो कलर का सब्सटेंस दिखाई देता है, कौन, एम्बर। और बल्कि प्राचीन काल में इसका यूज़ कहाँ पे करते थे, ज्वेलरीज बनाने में यूज़ किया जाता था, किसका, एम्बर का। तो होता क्या है बच्चों, देखो जब एम्बर है, ये जो हमारा आप कह सकते हो ठोस जो हमारा गोंद है, इसको जब किसी फर्श से रगड़ा जाता था, या मतलब आप कह सकते हो सिल्क से, या फिर किसी सिल्क से अगर आप इसको रब, थोड़ा सा आपने इसको रब किया, रगड़ा, तो क्या होता है, ये क्या करता है, कुछ लाइट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है, कौन, एम्बर, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने लगता है, मतलब इसमें कुछ इलेक्ट्रीफाइड, इसमें कुछ चार्ज प्रोड्यूस आता है, मीन्स ये अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करने लगता है, तो इसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस चीज़ को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहीं से वर्ड हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन से हमारा वर्ड लिया गया, क्या, इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर नाउ? मैं आपको इसे डेफिनेशन दिखा देती हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज की, साथ साथ आप लोग नोट भी करते रहेंगे। ये ले स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज की आप डेफिनेशन डाल लेंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंटिटी इन यूनिवर्स, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हिस्टोरिकली द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से हमारा क्या हुआ, इसका डिराइव हुआ है, कौन, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, जिसका नाम है इलेक्ट्रो, मतलब है उसका मीन्स एम्बर, इट इज अ येल्लो रेजिनस सब्सटेंस,
विच अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट वेन रब्ड विद वुल और सिल्क। जब इसको ये क्या है हमारा एक रेजिनस सब्सटेंस है येलो कलर का, इसको हम क्या करते हैं रब करते हैं किसके साथ, फर वुल और सिल्क के साथ जब रब करते हैं तो क्या करता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है देखो, और जहाँ तक आप सभी को पता है टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें दो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, उनमें दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है ये बताते हैं किसी अनचार्ज्ड बॉडी में चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है उसके मेथड्स को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है देखिए पॉजिटिव चार्ज, अभी हम आगे जितने भी वर्ड्स में हम पॉजिटिव चार्ज यूज़ करेंगे पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव में हम इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है देखिए इतना उतारने के बाद सुनिए मेरी बात, यहाँ पे कंपटीशन के लिए है मतलब या फिर केवल नॉलेज के लिए भी कह सकते हो आप, अगर आप लिख भी लोगे एग्जाम में भी अगर लिखते हो तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। देखिए बाकी जिसको नहीं लिखना कोई बात नहीं, देखिए इट वॉज देखो ये जो नाम है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये नाम किसने दिया था, देखिए बच्चों एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इस चार्ज की पोलैरिटी देखकर मतलब उसके नेचर को देखकर उसका नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसलिए रखे थे नाम ये बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये कंपटीशन में आपके आ सकता है। ठीक है नोट कर लेंगे इसे बच्चों, मैं सरफ कर रही हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चों बात करते हैं, देखिए जो चार्ज हम जो बात कर रहे हैं इसका ओरिजिन क्या है मतलब ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है इसकी बात करेंगे हम। ठीक है क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों मैं आपको पहले बता देते हैं जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या आप कह सकते हो सब्सटेंस हैं वो सभी किससे बने होते हैं, एटम्स से बने होते हैं है ना। वी यूज टू स्टडी इन स्मॉलर क्लासेस दैट द एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है हमारी एटम्स होती है। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ध्यान रखना ऑब्जेक्ट, और ये जो है हमारे ये क्या है हमारे एटम्स। ठीक है अब मैंने इसमें से एक एटम को पकड़ा, ठीक ये देख एक एटम को पकड़ लेते हैं, सभी को पता है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मतलब क्लास 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है देखिए हमारा एटम है, एटम किससे बना होता है, इसका एक पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है प्रोटॉन्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है होता है हमारा न्यूट्रॉन्स, देर आर नो चार्ज न्यूट्रॉन। ठीक है ये हमारा है न्यूक्लियस मतलब आप ऐसा अपने दिमाग में डाल लो कि एक बॉल है हमारे पास एक सॉलिड बॉल है जो है हमारा न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर हमने बड़ी बॉल है उसके अंदर हमने छोटी छोटी बॉल्स रखती है। ठीक है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक अब क्या होते हैं बाहर से कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में क्या करते हैं लगातार परिक्रमा करते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन करते हैं। ठीक है मतलब रिवॉल्यूशन ऐसे भी घूमते हैं और अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या करते हैं रोटेशन करते हैं। ठीक है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सभी ने पढ़ा दो इलेक्ट्रॉन मेरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऐसा 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 आदि आदि। ठीक है अब देखिए हमारा जो एटम है एटम में क्या है प्रोटॉन्स है नहीं एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन और जो हमारी बाहर की जो ऑर्बिट्स हैं उसमें कौन है इलेक्ट्रॉन्स हमारे परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक देखो एक बात और पता होगी आपको क्या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कह सकते हो आप एनी से डिनोट कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब किसी पूरे एटम की बात करें देखो एटम बना हमारे शेल्स और न्यूक्लियस है एटम में हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है जितना मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो ही उसमें नेगेटिव चार्ज होगा एंड वी नो दैट अब
अपोजिट चार्ज कैंसल ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं क्या कि जो हमारा एटम है वो क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो क्या है टोटल चार्ज की बात करें वो क्या है हमारा न्यूट्रल है, ठीक। अब भाई किसी बॉडी में चार्ज कैसा आएगा, इस ऑब्जेक्ट जो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इसमें चार्ज कैसा आएगा, देखिए प्लास्टिक आप इसको रब करते हैं, आपने भी देखा होगा स्केल को हम क्या करते थे बचपन में करा करते थे, क्या रब किया और छोटे छोटे पीसेस करते हैं कागज के, क्या करते हैं कागज के छोटे छोटे पीसेस किए, फिर हम जब उसको पास ले जाते हैं तो वो जो कागज के टुकड़े हैं वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने दिख रहा है, ठीक है, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब वो चार्ज आया कहाँ से, ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ध्यान सुनिएगा बच्चों, चार्ज ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, देखो एक एटम की बात हुई ना, हमने तो बात की थी ऑब्जेक्ट की, ऐसे ही ये एक एटम है, ऐसे ही बहुत सारे क्या है हमारे पास एटम्स है इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या, ठीक है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। अभी चार्ज आएगा कहाँ से, नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसे आएगा रब करने से कैसे आएगा, देखो बच्चों होता क्या, हम बात कर रहे हैं इसकी ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का रीजन क्या है, किसकी वजह से हमारा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है प्रोटॉन की वजह से, किसी ने को प्रोटॉन दे दिए तो पॉजिटिव बन गया, इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो नेगेटिव बन गया, ना ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। देखिए होता क्या बच्चों, जो हमारा ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन, एक ही प्रोटॉन नहीं है, देर आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये नाभिक के अंदर कैसे बंधे हैं ध्यान रखना बच्चों, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, आर अटैच्ड टू न्यूक्लियस, देखो मैं शॉर्ट लिख लूं मैं, ठीक है, आर अटैच्ड विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स से बंधे होते हैं जिस फोर्स को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फोर्स, क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हुई किसकी, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर फोर्स से बंधे, ठीक हो गया, बात करते हैं इसकी। अब हमारा इलेक्ट्रॉन भी तो हमारा एटम के साथ है, कुछ ना कुछ फोर्स होगा इनके बीच में भी, किनके बीच में, प्रोटॉन्स, ये जो हमारा, अगर हम बात करें कि केवल किसकी, न्यूक्लियस की बात करें, उसका जो केवल न्यूक्लियस की बात बच्चों एटम का नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर का न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव चार्ज, एंड वी नो दैट पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है कूलम्ब्स फोर्स, वो अभी हम बात करें कूलम्ब्स फोर्स की, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है, देखिए जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी एक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड विद न्यूक्लियस विद अ फोर्स, मीन्स ऐसा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ बंधे होते हैं विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम्ब्स फोर्स भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते, इसको एक कूलम्ब्स फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, अभी हमें ऐसा करके कुछ एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये बात करेंगे अभी इसकी, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस से के साथ जो बाउंड होता है वो फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बच्चों होता क्या है, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है, ये पर लिख देते हैं, न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज टू मच हायर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लगभग 100 times हायर, कौन, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है 100 times हाई होता है, ज़्यादा होता है, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब कूलम्ब फोर्स थोड़े वीक होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो बताइए बच्चों, अगर बाहर से कुछ हल चलो, मतलब केवल एटम को, ये सब्सटेंस को, क्योंकि सब्सटेंस को देंगे तो भी एटम में होगा ही होगा, ठीक है, एटम को अगर बाहर से हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी दी तो सबसे पहले डिस्टर्बेंस आएगा वो किस में आएगा, वो डिस्टर्बेंस आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन में या अंदर के प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, क्योंकि बच्चों डरिए मत बच्चों, देखो जो हमारा क्या है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो भाई जो वी जो बहुत हाई हैवी होता है, जो स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और जो हमारे वीक फोर्सेस होते हैं उनको तोड़ना ईजी होता है। तो बच्चों जब भी बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाती है, या मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब इसको ये है हमारा ये ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर इसको बाहर से रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें हलचल होगी, ठीक है। सबसे पहले जो हलचल होगी वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स में आएंगे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है ये जो फोकस फोर्स है वीक फोर्स से हमारे बंधे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है लूज होने लग जाता है, इनका सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है,
मान लेते हैं ये हमारा ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग बाय बाय, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने कहा मैं चला, इलेक्ट्रॉन हमारा चले गया, होगा क्या बच्चों? इससे पहले क्या था, इससे इसको बता देते हैं, इससे पहले वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, तो भाई इलेक्ट्रिकली एटम क्या था हमारा, न्यूट्रल। कैसा था? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब की बार क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो बच्चों मान लेते हैं पांच, शुरू में पांच इलेक्ट्रॉन थे तो पांच प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अगर बाद में मतलब आफ्टर लीविंग वन इलेक्ट्रॉन, जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन हमारा चले जाएगा, एक या फिर हो सकता है दो चले जाए हमारे, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं, कहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके, तीन, बल्कि प्रोटॉन कितना है, पांच, प्रोटॉन कितना है, पांच। तो भाई अगर हम नेट चार्ज की बात करें, यहाँ पर प्लस माइनस कैंसिल हो गया था, यहाँ की बात करें तो प्लस फाइव माइनस थ्री, कितना बचा हमारे पास बच्चों, टू, मतलब जो एक्सेस ऑफ क्या होगी यहाँ पर, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। अब क्या हो गया हमारा एटम क्या बन चुका है, आयन बन चुका है, वो भी पॉजिटिव आयन बन गया, क्यों, क्योंकि इसका जो चार्ज हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब हमने इसको रब किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लीव कर गया, चले गया, ठीक है। जरूरी नहीं है लीव करें, अभी आएगा भी, आने का एग्जाम्पल बताएंगे आपको, ठीक है। रब करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लीव कर गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, मीन्स कमी हो गई है, और प्रोटॉन्स क्या होंगे इसमें, इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये जो हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, शुरू में न्यूट्रल था, अब क्या हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, दूसरा केस पढ़ते हैं इसका, अभी इलेक्ट्रॉन क्या कुछ तो घूम रहा होगा बच्चों के दिमाग में, है कि इलेक्ट्रॉन केवल लीव क्यों कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर से आ नहीं सकते बच्चों? वो डिपेंड करेगा कि जो रबिंग ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट ही है जो जिससे हम इसको रब कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है। बताते हैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब बच्चों ने अपने इलेवंथ में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है गो माई डॉग, किसी ने नहीं पढ़ी सब ने पढ़ी होगी। देखो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी, अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाहर से किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एटम की, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए दो एटम्स हैं, दो हमारे सब्सटेंशियल एटम्स कह दीजिए, इनको हमने रब किया बच्चों, अगर इनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो फ्रिक्शन या रब करने पर इलेक्ट्रॉन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए शुरू में मैंने इलेक्ट्रॉन को लीव किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लीव किया था, इसका मतलब है कि जो बाहर से रब करने वाला जो हमारा एटम है वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, जिसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर लिया है। अब क्या हुआ, इनकेस बाहर से दूसरा हमारा वो सब्सटेंस आया जो क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इस एटम से, ठीक है। अब हमने इसको रब किया तो क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन नहीं जाएंगे, ध्यान रखना भी इलेक्ट्रॉन की कमी, अगर नेगेटिव चार्ज आया तो प्रोटॉन को नहीं भगाना है ना, कभी पता लग रहा है ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव आ गया था, प्रोटॉन चले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नो। देखिए भाई अब अगर हमने बाहर से जो एटम लेके आए हैं वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो बच्चों क्या होगा, जब रब करेंगे तो हलचल दोनों उसमें होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, ठीक है। बट अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ को आ जाएंगे, ठीक है, पांच इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से थे, क्या थे, फाइव इलेक्ट्रॉन्स इस पर इसके पास पहले से थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू फाइव, प्रोटॉन्स कितने, फाइव, ऐसा था कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, मान लेते हैं इसके पास एक ले, दो ले, तीन ले, चार ले, ठीक है, मान लेते हैं वन इलेक्ट्रॉन इसके उसमें एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो भाई देखो पांच इसके पास पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितना हो गया, माइनस सिक्स चार्ज है इसके पास, जबकि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम कॉन्स्टेंट फाइव है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके चार्ज की, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, तो नेट चार्ज इसका क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट चार्ज भी बोल सकते हो आप, क्या, माइनस सिक्स प्लस फाइव इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो भाई चार्ज, तो भाई इस तरह से हमारे पास क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो बच्चों बात किसकी कर रहे थे, ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान दिया आपने, इससे अभी जो मैंने आपको पढ़ाया एक बार ध्यान दोगे आपने, हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज बन रहा था, कब,
किलो का आया था, मैंने उसको हटा दिया, अब खर्ची पूरी पूरी हो गया। देखिए बच्चों, आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो हमारा पॉजिटिव जो हमारा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज तब बन रहा था, पॉजिटिव आयन हमारा तब बन रहा था जब इलेक्ट्रॉन हमारा लीप कर रहा था। प्रोटॉन तो नहीं थे, जितने पहले थे पांच थे, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज हमारा एटम में तब आ रहा था जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा या दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमारे अंदर हम लोग हाँ एक्स्ट्रा एंटर हो रहा था, ठीक है। कुल मिला के जो रीजन है वो क्या है इलेक्ट्रिफिकेशन का, हमारा इलेक्ट्रिक ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉट प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के आने से और जाने से ही हमारा क्या होता है, बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस होता है। अगर इस बॉडी को आपने इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से दे दिए तो इसका चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, और अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए तो इसका चार्ज हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ओके, तो हम लिखेंगे तो भाई ये प्रूफ होता है, यहाँ से इतना लिखने के बाद आप ये लिखेंगे, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, हेंस वी कैन सी, वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द ऑरिजिन ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। बच्चों आपने नोट कर लिया, जल्दी नोट कीजिए। Now we study about methods of charging. देखिए method of charging की बात करते हैं। ये हमारे क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसको हमने चार्ज किया था, इसको कैसे चार्ज किया था, रब करके, वो भी हमारा इस मेथड ऑफ चार्जिंग में एक देयर आर थ्री मेथड्स उसमें यूज होगा, जो हमने अभी फ्रिक्शन वाला मेथड किया था, ठीक है, उसको मैं भी पढ़ाऊंगी फ्रिक्शन वाले मेथड में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको। देखिए बच्चों, किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को तुम्हें चार्ज करना है तो केवल जो अभी हमने बात करी फ्रिक्शन की, केवल फ्रिक्शन से ही नहीं किया जा सकता, देयर आर थ्री मेथड्स, ठीक है, टू चार्ज एनी न्यूट्रल बॉडी। ओके, तो देखिए फर्स्ट मेथड की बात करें, अगर मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट मेथड है हमारा कंडक्शन, बाय कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन समझाते हैं अभी आपको, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा मेथड है आपका फ्रिक्शन, जो मैंने आपको अभी आपको बताया है, एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले। कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन नंबर टू इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऐसे सबने किया है बचपन से, ठीक है, ऐसे आप लोग भी कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा इंडक्शन मेथड, ठीक है, बात करते हैं किसकी, कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं। देखो बच्चों, एक मेथड तो यह है, मान लेते हैं हमारे पास यह है एक हमारा न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, क्या हमारी है न्यूट्रल बॉडी है, बट जरूरी है कि यह हमारा कंडक्टर होना चाहिए। देखिए आपको सभी को पता है जिससे हमें करंट लग जाए वही हमारी गुड कंडक्टर नहीं होती, ठीक है, आपको पता है, सभी को पता है, एक लोहे की छड़ होती है हमारी, लोहे की छड़ हमारी गुड कंडक्टर है, बट किसी भी मतलब हर टाइम आपको उस पर करंट नहीं लगता है, ठीक है। रीजन क्या है बच्चों, शुरू में जो हमारा लोहे का टुकड़ा है, मान लेते हैं ये हमारा अभी लकड़ी है, लेकिन वैसे मान लेते हैं ये है, ये हमारा लोहा है, ठीक है, ये हमारा आयरन पीस है, ये हमारा गुड कंडक्टर है, सबको पता है गुड कंडक्टर है, बट इस स्थिति में अभी ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है,
चार्ज करना, ठीक है। एक मेथड तो ये है, ये हमारा आयरन पीस, आयरन आयरन पीस ले लेते हैं, ठीक है। अब बाहर से हम लेके आए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, जो चार्ज की बात करें अगर तो ये हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देयर इज नो एनी नो चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है अभी इस पर। अब हमने क्या किया, बाहर से हम एक दूसरी इलेक्ट्रिक चार्ज्ड बॉडी को लेके आते हैं। एक हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है बच्चों, इस पर हमारे पास एक अभी चार्ज्ड बॉडी है, कुछ भी चार्ज होता हो सकता है इस पर पॉजिटिव। अब ये चार्ज कहाँ से आया ये भी बताएंगे, पहले से कोई चार्ज है हमारे पास इस पर किसी ऑब्जेक्ट पर, हमारे ऑलरेडी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमने क्या करा, आयरन पीस को इसके पास लेके जाते हैं, ठीक है, केवल पास नहीं ले आना है, और इसको पास नहीं आना है, केवल इसको डायरेक्ट हमने कॉन्टैक्ट कराना है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लाते लाते हमने इसको यहाँ पे, ध्यान रहे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, टच होना चाहिए, दूर से नहीं, ठीक है, कॉन्टैक्ट होगा तो बच्चे होता क्या है, कंडक्शनल मैथड में क्या होता है, अगर हमने किसी न्यूट्रल बॉडी का फिजिकल कॉन्टैक्ट कराया किससे, किसी चार्ज्ड बॉडी से, उस पर कोई एक देर आर कोई भी एक टाइप का चार्ज होगा, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इस पर हमने कॉन्टैक्ट कराते ही क्या होता है बच्चों, ये सेम द सेम काइंड ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू इट, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा हमारी न्यूट्रल बॉडी में एंटर कर जाएगा, और ये हमारी जो बॉडी है ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। आई बात समझो सबको, ठीक है। और अगर क्या होता है, इनके जो चार्ज बॉडी हमारी नेगेटिवली चार्ज है, तो न्यूट्रल बॉडी को इसके इससे कॉन्टैक्ट कराने पर जो हमारी न्यूट्रल बॉडी है वो भी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, समझ में आ रहा है बच्चों को, ठीक है। तो ये मेथड जो है हमारा कंडक्शन है, क्या बोलेंगे, इस मेथड ऑफ दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके। तो देखो बच्चों, नोट कर लीजिए आप लोग, देखिए व्हेन एन अनचार्ज्ड, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं समझाती हूँ आपको, व्हेन एन अनचार्ज्ड कंडक्टर आर कीप्ड इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज्ड बॉडी, देन अनचार्ज्ड बॉडी एक्वायर द सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड कंडक्टर। क्या मतलब है इसका, जब हमारी एक अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज्ड कंडक्टर के फिजिकल कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो जो हमारी अनचार्ज्ड बॉडी है उसमें भी उसी टाइप का चार्ज एंटर कर जाता है, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है भाई, ऐसा क्यों हुआ कि चार्ज हमारी बॉडी चार्ज्ड हो गई है, देखिए ये हमारा नेगेटिवली चार्ज था, ये हमारा अनचार्ज्ड है, जैसे ही हम इसको फिजिकल कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं तो क्या होता है, जैसे हम इसको फिजिकल कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं तो क्या होता है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को शेयर हो जाते हैं, किसमें, अनचार्ज्ड बॉडी की ओर शेयर हो जाते हैं, ठीक है। यही रीज़न है कि हमारे बॉडी क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज। अगर इस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी अट्रैक्ट कर लेगी और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर बच्चों क्या होता है, अगर ये बॉडी हमारी जो चार्ज्ड बॉडी है वो हमारी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है तो क्या होगा, चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ फ्लो होगा और ये बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ के जितने भी प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे, ठीक है। अब देखिए बच्चों एक बात और, ये वाली लाइन है जो मैंने अभी आपको समझाई नहीं है, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी यहाँ पे नोट कर लीजिए, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम विच यूजुअली टेक्स फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आई बात समझ में, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ये हमारा ये जो केस है हमारा कौन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, सॉरी। देखिए बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का मेथड है कंडक्शन, ये हमारा केस कैसा है, इक्विलिब्रियम का केस है, क्यों, क्योंकि भाई जो अनचार्ज्ड बॉडी है और जो चार्ज्ड बॉडी है, जब इनको फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाया जाता है आफ्टर कंडक्शन, कंडक्शन होने के बाद क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं किसी एक टाइम पर, ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, बच्चों फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें बच जाते हैं। मान लेते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स इन एन चार्ज्ड बॉडी, और अनचार्ज्ड बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद आफ्टर कंडक्शन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम 5 इसमें और 5 इसमें, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है किसी फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम विच यूजुअली टेक्स फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखिए
नोट कर लेंगे आप लोग इसे। एग्जाम्पल करते हैं इसका, इसे नोट करने के बाद आपको रफ कर देती हूँ, मैं एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। पहले नोट कर लेते हैं, देखिए तो बच्चों इसका एग्जांपल है हमारा कंडक्शन का, चार्जिंग ऑफ गोल्ड लीव्स बाय अ मेटल रॉड इन द गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। इसको देखते हैं, इसको पढ़ाते हैं, मैं अभी आपको पढ़ाते हैं गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए बच्चों, जो हमारा गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, जो गोल्ड लीव्स क्या होती हैं, चार्ज होती हैं, किसकी वजह से, बाय अ मेटल रॉड, मेटल रॉड की वजह से गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप में गोल्ड लीव्स का चार्ज होना। ठीक है, अभी बात करते हैं इसका एग्जांपल है वैसे ये, ठीक है मैं आपको इसे समझा देती हूँ क्या होता है। देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इट इज इन अ डिवाइस जो क्या बताता है, विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस एंड द पोलैरिटी ऑफ चार्ज इन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोस्कोप है वो एक ऐसी डिवाइस है जो हमें ये पता लगाने में हेल्प करती है कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है और कितना है और किस पोलैरिटी का है। पोलैरिटी मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, मीन्स नेचर कह सकते हो आप इसको। ठीक है, मैं डायग्राम बताते हैं आपको इसका, थोड़ा सा डायग्राम बता देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए बच्चों मेटलिक डिस्क, अब समझा देंगे हम आपको डायग्राम समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। मेटलिक रॉड, सब गोल्ड फॉइल लीव्स भी कह सकते हो आप, गोल्ड फॉइल्स दो हैं, ठीक है, एक हमारे पास गोल्ड फॉइल ये है, दूसरी हमारी ये ट्रांसपेरेंट बॉटल है। ठीक है, देखिए बच्चों ये हमारा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से देखिए, उधर एक मेटलिक डिस्क होती है, मेटलिक डिस्क सर्कुलर भी हो सकती है, ठीक है सर्कुलर, जैसे कि आप ये डीवीडी सीडी का यूज करते हैं आप घर में, ठीक है मेटलिक डिस्क है। फिर ये जो हमारा एक मेटलिक रॉड है हमारे पास, ये ध्यान से देखिए, डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं है, आप बना लेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारी मेटलिक रॉड है किसी एक मेटल की है, और दूसरा हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे दो पत्तियां हैं, एक ये है, ये हाईलाइट कर देते हैं, गोल्ड फॉइल एक ये है और एक ये है, वी शेप्ड में इस तरह से हमारी यहाँ पर लगाए गए। इसे होता क्या है बच्चों, देखो हमें किस, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज है और किस पोलैरिटी का है हमें ये बताना है, और इसमें प्रेजेंस है, इसमें चार्ज है या नहीं, मींस प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है हमने। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमने यहाँ मेटलिक डिस्क के ऊपर रख देना है। ठीक है, ये हमारा मेटलिक है, मेटलिक डिस्क है, इसके ऊपर मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, अब हमें यह पता लगाना है कि इसमें चार्ज है कि नहीं है। देखो मेटलिक डिस्क है एंड वी नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर इसमें कोई चार्ज होगा बच्चों, अगर इसमें कोई चार्ज होगा तो वो क्या होगा, यहाँ से होते हुए, देखो हमने इसे डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में रखा है, ध्यान से देखिएगा, कंडक्शन
हमने मेथड पढ़ा था कंडक्शन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो इसमें जो भी चार्ज होगा वो यहाँ से फ्लो होते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, गोल्ड फॉइल में पहुंचेगा। ठीक है, अब होता क्या बच्चों, अगर जो हमारी ये इलेक्ट्रोस्कोप है इसमें कोई चार्ज, हमने शुरू में इसको चार्ज नहीं किया है, किसको, इलेक्ट्रोस्कोप में कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो होता क्या बच्चों, देखो इसमें जो चार्ज, ध्यान से देखिएगा, जो हमारी गोल्ड फॉइल्स हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है, देयर आर, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो होता क्या बच्चों, देखो यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ और इस लीव में भी मान लेते हैं सपोज इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हमारा मेटेलिक रॉड से होते 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 हमारे गोल्ड फॉइल में पहुंचेगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, एंड वी नो दैट सेम काइंड ऑफ चार्ज रिपेल इच अदर। ठीक है, ये दोनों जो हमारी गोल्ड फॉइल्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी और क्या हो जाएंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी, डाइवर्स हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी बच्चों, डाइवर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड हो गया किसका, कंडक्शन का, एग्जाम्पल कह सकते हो, सॉरी। ठीक है, अब देखो ये तो पता लगी क्या कि इस बॉडी पर चार्ज है, केवल प्रेजेंस पता लगी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, प्रेजेंस पता लगी किस पर, उस बॉडी पर, हमें ये पता लगाना है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये पता लगाना है, तो अगर हमें नेचर पता लगाना है, नेचर मीन्स पोलैरिटी देखनी है, पोलैरिटी देखनी है, तो क्या होगा बच्चों, हमने इस इलेक्ट्रोस्कोप को ऑलरेडी चार्ज कर दिया, मतलब ऐसे ही इस बॉडी को, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को लाने से पहले हमने इसके ऊपर कोई एक दूसरे चार्ज रख दिया, मान लेते हैं वो चार्ज था हमारा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज था तो क्या होगा, सेम यही होगा जो हमें भी हमारा थोड़ी देर पहले हुआ था, डाइवर्ज होगा। ठीक है, डाइवर्ज होने के बाद हमने इसको उसी वक्त यहाँ से उस नेगेटिव चार्ज को हटाया, अब हमने क्या किया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव चार्ज जिसकी हमने प्रेजेंस देखी थी, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करा, मेटलिक चार्ज के ऊपर रख दिया। कुल मिला के मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि हमें प्रेजेंस देखने के बाद अगर हमें पोलैरिटी देखनी है तो इलेक्ट्रोस्कोप में जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप को ऑलरेडी चार्ज करना है, गोल्ड फॉइल्स को ऑलरेडी हमें चार्ज करना है पहले से। ठीक है, अब क्या किया, इसे पॉजिटिव चार्ज रखा, मान लेते शुरू में क्या था, नेगेटिव चार्ज था, उस नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारी जो गोल्ड फॉइल्स है वो क्या हो गई थी बच्चों, डाइवर्ट हो चुकी थी, हमने पॉजिटिव चार्ज रखते ही क्या होगा, कंडक्शन होगा, यहाँ से चार्ज हमारा फ्लो होते होते गोल्ड फॉइल्स में पहुंचेगा, गोल्ड फॉइल्स में पहुंचते ही अब देखो अपोजिट काइंड का चार्ज आ गया हमारा, शुरू में नेगेटिव था, डाइवर्ट हो गया था। ठीक है, से पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो हमारी जो लीव्स है वो क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, मतलब जो हमारी डाइवर्ज हुई थी वो पास पास आके हमारी, ठीक है, कन्वर्ज होंगी। ठीक है, और ऑलरेडी अगर ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप को ऑलरेडी चार्ज्ड करेंगे। अब हमने क्या किया, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को रखा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी को रखने के बाद ही क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया कन्वर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अगर देखिए, अगर ये क्या होता है, कन्वर्ज होता है तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारी जो बॉडी है जिस पर हम प्रेजेंस पर हमने प्रेजेंस देख रखी है, हमें जिस पर नेचर, जिसका हमें नेचर देखना चार्ज का, उस पर चार्ज अगर कन्वर्ज होता है तो उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, और अगर डाइवर्ज होता है, क्योंकि ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्कोप है वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अगर वो दोबारा से डाइवर्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज जो हमारी गोल्ड फॉइल्स है वो दोबारा डाइवर्ज होती है, इट मीन्स इस बॉडी पर हमने जिसका हमें नेचर ऑफ पोलैरिटी देखना, उस पर नेगेटिव चार्ज है। इज इट क्लियर, अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन के लिए का एग्जांपल की, मतलब गोल्ड फॉइल्स में चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो रहा है मेटलिक रॉड के थ्रू। ठीक है, बता लेंगे इसे। तो बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं द मेथड ऑफ चार्जिंग का सेकेंड मेथड पे चलते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए बच्चों, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारा ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, दो हमारी अनचार्ज्ड बॉडी है, इन दोनों को मैंने क्या किया, रब किया। ठीक है, रब किया। अब होता क्या है ना, रब करने के बाद एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन या फिर
इस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर हमारी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, और अगर इस ऑब्जेक्ट की है तो इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो ये हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज जिसपे डेफिशिएंसी हुई है, और जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनों की इंक्रीमेंट हो गई है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है किसका, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगी जो हमारा डेली यूज होता है, ठीक है। देखिए पहले आप इसे नोट कर लेंगे बच्चों, देखो इजी लैंग्वेज है, जहां पर समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, व्हेन टू अनचार्ज्ड इंसुलेटर्स रब्ड अगेंस्ट ईच अदर बोथ एक्वायर्स अपोजिट काइंड्स ऑफ चार्ज, ठीक है। ध्यान रखना, जब दो अनचार्ज बॉडी को रब करते हैं फ्रिक्शन की मदद से, हमारे दोनों में दोनों चार्ज होते हैं लेकिन अपोजिट काइंड का, इसमें पॉजिटिव तो इसमें नेगेटिव, जितना अमाउंट जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का यहाँ पर है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव का यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए, ऑन ईच अदर ड्यू टू द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉनों का, एक्चुअल ट्रांसफर होता है, ठीक है, वर्चुअल नहीं होगा, फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, ठीक है। वन ऑफ द रब्ड बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिव चार्ज, whereas another body gets positive charge, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो मेरे बात, इसको नोट करो पहले, सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, समझाओ एग्जाम्पल को समझाने के बाद लिखिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए बच्चों, देखिए लिखने वाला एग्जाम्पल जो है, ये जो मैंने लिखा है इसको आप नोट कीजिएगा, बाकी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ जो हमने बहुत सुना होगा आपने, ठीक है, वो आप यहीं से नोट कर लीजिएगा। देखिए, हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और एक हमारे पास एक सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का एज अ टेरिकोट का, ठीक है। इस सिल्क के कपड़े को मैंने क्या किया, इसमें रब किया, ठीक है। रब करने के बाद देखो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ग्लास रॉड को जब सिल्क से हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन हमारे सिल्क में चले जाते हैं, ठीक है। इट मीन्स ग्लास विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ग्लास रॉड क्या हो जाती है हमारी, ये हमारे पास ग्लास रॉड है, इसको मैंने एक कपड़े, इस कपड़े पर मैंने इसको रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ पर, तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से यहाँ को ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे इसका चार्ज हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और सिल्क हो जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो पहला एक एग्जाम्पल तो हमारा ये है, आप लिख लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको आप नोट, इसको आप एग्जाम में लिख लीजिए, ठीक है। देखो होगा बच्चों, पानी भरते समय, ठीक है, ये हमारे पास एक नल है, ड्राइंग करने का बहुत शौक है मुझे, ध्यान से देखिए, बहुत तेजी से फ्लो में हमारे पास क्या आ रहा है, पानी आ रहा है इसमें से, ठीक है, पानी आ रहा है। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज्ड रॉड ली, मान लेते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कोई एक एक काइंड का चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो फ्लोइंग वाटर है टैप से जो हमारा पानी गिर रहा है उसकी तरफ छड़ को ले लें, टच मत कीजिए, थोड़ा सा दूर से ही करना, ठीक है। टच करेंगे तो जो पानी का फ्लो था, देखो ये सीधे सीधे था अभी हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर कह सकते हो आप इसके अर्थ के परपेंडिकुलर, तो क्या होता है ये फ्लो जो होता है हल्का सा डाइवर्ज हो जाता है, जहाँ से मैं चार्ज को ले गई हूँ वहाँ से हल्का सा डाइवर्ज होता है, मान डाइवर्ज कह दो सॉरी, या तो मतलब इट विल, ये तो ये मूव अवे, अब दूर हो जाएगा, या फिर हो सकता है ये इसके ये जो मेरी छड़ है, सॉरी ये छड़ है, चार्ज छड़ है, ठीक है, चार्ज रॉड है हमारी, और ये हमारा क्या है वाटर, जैसे हम इसको इसके पास लेके आते हैं तो हो सकता है कि ये हमारा ऐसे हो जाए, या फिर ये फ्लो ऐसे ना होकर डाइवर्स होने की बजाय इसकी चार्ज की ओर मूव कर जाए, तो मीन्स चार्ज से दूर हो जाए या चार्ज की और आ जाए, मतलब एक साइड को हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो रहा था उस समय, परपेंडिकुलर ना होगा एक साइड जाएगा, क्यों होता है इसका रीजन मैं बताती हूँ। देखिए बच्चे, जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर जो हमारी ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो आपस में क्या कर रही हैं, जो रब कर रही हैं, क्या कर रही हैं, रब हो रही हैं, तो उसमें एक काइंड का क्या होता है, एक टाइप का चार्ज है, सपोज वो चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है,
ठीक है। देखिए सपोज हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे हम एक चार्ज्ड बॉडी को इसके नियर लेके आएंगे, अगर उस चार्ज्ड बॉडी का चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है तो जो हमारी वाटर की जो वाटर का फ्लो है वो उससे दूर हो जाएगा। अगर इनकेस अगर हमारे पास जो रॉड है उसका चार्ज हमारा नेगेटिव है तो ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से इसकी तरफ पहुँच गई। क्लियर? मतलब कुल मिला के कहना चाह रहे हैं हम कि जो वाटर के अंदर जो फ्रिक्शन हो रहा है, वाटर के अंदर फ्रिक्शन हो रहा है और उस फ्रिक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसी कारण क्या हो रहा है हमारा इस रॉड से इसके इसका जो पाथ है वो डेविएट हो जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लियर? तो बच्चों क्लियर? देखिए तो बच्चों टाइम काफ़ी हो चुका है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोगों को बोरियत आएगी, ठीक है। तो हम जो इसका थर्ड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो हम अगली वीडियो में कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।